लिए हर कोई विचर्स को अपनी जगह अपने गाँव से भगाता रहता है इसी वजह से वहाँ के कुछ लोग गैरोल्ट को बुरा भला कहने लगते हैं मगर तभी वहाँ की एक लड़की जिसका नाम था रेनफ्री वो अपने लोगो को चुप करवा देती है और साथ ही को गैर भी ऑफर करती है दोनों की आपस में बातचीत होती है रेनफ्री कहती है की इस ब्लैविकन में विचर्स का आना काफी अनोखी बात है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो विचर कहता है की पास ही गाँव के अंदर दलदल में एक बहुत ही बड़ा टीका मोरा देता था मैंने उसे जस्ट अभी खत्म किया है और मैं यहाँ के राजा से मिलने के लिए आया हूँ ताकि वो मुझे इसका इनाम दे सके रेनफ्री कि तुम्हें पर इनाम तो नहीं मिलेगा इससे बेहतर यही है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ के लोग तुम पर हमला कर देंगे लेकिन तभी पर एक सी लड़की की एंट्री होती है वो आपको इस के बदले कुछ रुपए पर विचर आया ही पैसे लेने होता है इस वजह से वो इस छोटी सी लड़की के साथ में चला जाता है जिसके बाद में ये दोनों ही ब्लैविन की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं मगर विचर के पता कर लेते हैं जादुई शील्ड बना रखी है इसलिए वो जब उसके अंदर पहुंचता है तो देख पाता है कि वो अबेंडेंट सी बिल्डिंग अंदर से काफी ज्यादा कलरफुल और बिल्कुल न्यू है जिसके बाद में विचर की मुलाकात होती है से वही यहाँ का जादूगर होता है जिसे देख कर विचर समझ जाता है की सब कुछ तो इसकी प्लानिंग थी तुम्हें पता था की मैं यहाँ पर कीकामोरो का मार्कर जरूर आऊंगा इसलिए तुमने मुझे अपने पास तक बुलाने के लिए एक बच्ची का सहारा लिया तुमने यहाँ पर मुझे नाम देने के लिए नहीं बल्कि खुद का एक बड़ा दैत्य मरवाने के लिए यहाँ पर बुलाया जिस पर स्ट्रेगोबोर कहता है कि तुमने सही कहा मैंने तुम्हें एक पर्सनली काम के लिए बुलाया है तुम्हें मेरे लिए

ताकि आप इन सारे स्टार्टिंग वाले सिंबल्स को समझ पाएं इसी कहानी के बीच में मैं आपको एक और कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ जो की है एक बुक समरी जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए जो की अवेलेबल है ऑन कोकू एफ एम ऐप कुकू एफ एम ऐप इंडिया के सबसे बड़े और साथ ही लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में से एक है जिस पर करीब एक हजार घंटे से भी ज्यादा की कॉन्टेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है यहाँ पर आपको मोटिवेशनल बायोग्राफी हॉरर थ्रिलर क्राइम ड्रामा कॉमेडी सोशल कल्चर धार्मिक और साथ ही ऐसे कई अलग अलग जॉनरा में ये कंटेंट मिलेगा जो कि एक ऑडियो बुक के रूप में जैसे कि आप अपने खाली टाइम में या फिर अपने बिजी शेड्यूल में काम करते करते भी सुन सकते हैं और वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में यहाँ तक की ऑडियो बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है कोको एफ ऐप पर आप भारतीय संस्कृति और साथ ही धार्मिक चीजों से भी रिलेटेड काफी जानकारियाँ ले सकते हैं जैसे की रामायण महाभारत चाणक्य नीति एंड एक्सेट्रा एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दिस ऐप इज मेड इन इंडिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुकू को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा उस लिंक के थ्रू अगर आप इस कुकू को डाउनलोड करते हैं तो पहले के जो ढाई यूजर्स होंगे उन्हें मेरी तरफ से कुकू के ऐसी फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आई I मीन mean, जो सब्सक्रिप्शन थ्री का है वो आपको वन में ही मिल जाएगा और या फिर अगर आप इसे ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करना

करता इंसानों को नहीं मारता मैं जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कई साल आगे अब यहाँ पर मैं आपको बता द विचर के यूनिवर्स में एक चल रही है जो की अलग अलग में टेक प्लेस करती है अगर मैं अभी सारी आपको बताने लगूंगा तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं चाहता आप बस मेरे साथ स्टोरी के थ्रू चलते जाइए ताकि आप ईच एंड एवरी स्मॉल से स्मॉल डिटेल को भी ठीक तरीके से समझ पाए वेल well, यहाँ पर हमारी मुलाकात इसके सेकंड कैरेक्टर से होती है जिसका नाम होता है सीरी ये कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है और तभी हमें पता चलता है

चंदो की किसी भी कीमत पर तुम सीरी को यहाँ से बचा कर ले जाओगे उसी वक्त वहाँ पर सीरी भी पहुँच जाती है अब एक तरफ तो नीचे ऐसी तो कोई भी अंदर ना आ पाए तो सीरी पूछती की आखिर ये प्रोटेक्टिंग शील्ड कब तक हमारी रक्षा कर सकती है तो मोजेक बताता है ये प्रोटेक्टिंग शील्ड तब तक टिकेगी जब तक मैं टिकूंगा वहीं पर कलांती अपनी पोती सीरी से कहती है की जाकर गैरोल्ड से मिलना वही पर सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ट जो कि जंगल में अकेले अपने घोड़ी रोश के साथ में कर रहा होता है। जिन पर की नजर होती है मगर विचर भी जिसके बाद तुमसे बात नहीं करना चाहता जितना दूर हो सके मुझसे चली जाओ तो रेनफ्री कहती है की तुम्हारा काम है बाउंटी हंटिंग का मैं तुम्हें एक बाउंटी देना चाहती हूँ एक जादूगर है मैं चाहती हूँ की तुम उसे जान से मार दो विचर कहता है तुम्हें जान से मारने की सुपारी

से मार दो जिस पर विचर उसे कहता है कि बतली की आंख को छोड़कर तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाती हो रेनफ्री बताती है कि, कि किसी वक्त में एक राजकुमारी हुआ करती थी थी मैं राज घराने में पैदा हुई थी। ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी वहाँ के लोगों को यह बताया मेरे माता पिता को यह बताया की मैं सूर्य ग्रहण के वक्त पैदा हुई हु। मेरे अंदर काली छाया का प्रकोप है इन सारी बातों को मैं कभी नहीं बुला सकती जिसके बाद में ये दोनों ही थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं और हमें एक फिजिकल सीन वहाँ पर इन दोनों के ही बीच में दिखाया जाता है और जब अगले दिन सुबह गैरोल्ट की आंख खुलती

वार से धड़ाधड़ वार करती है विचर नहीं चाहता था कि वो उस पर वार करे वो उसका काफी बचाव भी करता है बट एट द एंड गलती से उसका चाकू उसी के गले पर लग जाता है और की जान वहीं पर चली जाती है मरने से ठीक एक मिनट पहले वो को कहती है द गर्ल इन इज योर डेस्टिनी इसका मतलब यह है की जंगल में छुपी लड़की का पीछा करो वही तुम्हारी डेस्टिनी है यही तुम्हारे जीने का मकसद बनेगा वही पर अगेन सीन शिफ्ट होता है निल्फ गार्डियंस पर जो की इस वक्त पूरी तरीके से मोजैक की प्रोटेक्टिंग शील्ड को तोड़ देते हैं यहाँ पर मोजाइक सीरी को बताता है कि निल्फ गार्डियंस काफी ज्यादा बुरे होते हैं वो लोगों की टांगे तोड़ देते हैं उनके मुंह में से जबान खेच बाहर निकाल देते हैं पेट चीर कर आते बाहर निकाल देते हैं कुत्तों को खिला देते हैं और पूरी बॉडी को आग लगा देते हैं वो किसी को भी गिरफ्तार करके उन्हें कैदी नहीं बनाते बल्कि बेरहमी से उन सभी को जान से मार डालते हैं उनके सामने कोई भी नहीं टिकता उनकी ताकत काफी ज्यादा बड़ी है उसकी बातों से हमें ये तो पता चली गया था कि निल्फ गार्डियंस इस विचर के यूनिवर्स की सबसे बड़ी फौज है जिसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक था मगर अब देखते ही देखते सारे निल्फ गार्डियन जब उनके कैसल के अंदर तक घुस चुके होते हैं लेकिन अकेले ही वहां से भागने लगती है मगर घोड़े पर एक निल्फ गार्डियन उसका पीछा करने लगता है एक बड़े से मैदान में आ जाने के बाद में सीरी को लगता है की वो तो उसे पकड़ ही लेगा इसलिए वो मुड़कर जोरदार चिल्लाती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घोड़ा गिर जाता है

में खुद का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक सामने वाला बंदा उसे एक चमेली का फूल दे रहा होता है मगर गलती से वीचे गिर जाता है फूल को उठाने के लिए जब वो बंदा जाता है तभी उसकी मुलाकातर से होती है और वो उसे कहता है कि तुझे कौन पसंद करेगा तुझे तो कोई फूल तक भी नहीं देगा लाए फूल इधर दे और अभी दोनों ही मिलकर उसके साथ में जोर जबरदस्ती करने लगते हैं उसके इस कुबड़ेपन का मजाक उड़ाते है उसे पीटने भी लगते हैं और तभी सब कॉन्शियसलीफर अपने जादू की मदद ऐसी वहां से गायब हो जाती है आपको एक बात बता दू ये एक सोर्स है विचर के यूनिवर्स में दो टाइप के जादूगर होते हैं

की मेन वेच या फिर कह सकते हैं कि का नाम होता है टिसेया जिस तरीके से हॉगवर्ड में एल्बस जेवरस डोर होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर टिसेया होती है। वेल, नामों में मत क्योंकि आप जितनी बार इन नामों को सुनेंगे आप इनके साथ होते जाएंगे यहाँ पर स्ट्रेड से कहता है की अगर टिसे को पता चला की तुम अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ तक आ चुकी हो तो वो तुम्हें ढूंढ वापस से अपने हॉगवर्ड स्कूल या फिर कह सकते हैं बाकी बच्चों के साथ डाल देगी इसलिए जितना जल्दी हो सके

है उसका कितना प्राइस है यानी कि यहाँ पर वो येनेफर के बारे में बात करी होती तो तो मैं छह मार्क में कुबड़ी बेटी पसंद नहीं थी कि येनेफर के प्रति उनका बिल्कुल है, कोई सुवर नहीं तुम इसे जानवर के भाव क्यों बेच रहे हो वहाँ पर टिसे कहती है कि मैं छह की जगह चार मार्क दूंगी और उसका पिता को फाइनल कर देता है और ना चाहते हुए भी सिर्फ चार मार्क के अंदर के पिता बेच देते हैं जहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है इस वक्त वक्तर खुद को अकेला पाती है उसे इस बात का बुरा लग रहा था की परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं उसके बाप ने सिर्फ उसे तो चार मार्क में बेच दिया वो काफी ज्यादा हताश हो जाती है इसी वजह से वो सुसाइड भी करती है मगर ऐसा करने से पहले वहां पर पहुंच कर उसे रोक देती है जिसके बाद में उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे नए लोगों से मिलवाया जाता है वहाँ पर ऐसी कई और जादू भी होती है जो कि पैसे देकर यहाँ पर जादू सीखने के लिए आई होती है अब इनका पहला टास्क था को यूज करके पत्थर को हवा में उड़ाने का इनकी टेबल पर एक पत्थर होता है

की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो क्यों ना वो ये फूल हो अगर मैं इस फूल को उठाकर कहती हूँ तो देखो ये पत्थर हवा में उड़ने लगता है ऐसा करके फिर बाकी सभी ऐसा ट्राई करती है और कुछ ना कुछ तो उसमें कामयाब भी हो जाती है इस टास्क के बाद में उनका एक नया टास्क होता है जहां पर उन्हें एक ऐसी गुफा में लेकर जाया जाता है जिसका ऊपरी छोर खाली होता है यानी कि ऊपर एक टॉप सर्कल का होल होता है और वहां से बिजली नीचे गिर रही होती है इनका मेन टास्क ये होता है की आसमान से गिरती बिजली को उन्हें एक बोतल में कैद करना है मगर ऐसा करने में कुछ जादूगर्दियां फेल हो जाती है

से कई साल पहले दो दुनियाओं का संयोजन हुआ जिसमें से एक दुनिया थी हमारी पृथ्वी और एक थी दूसरी काली दुनिया जिससे धरती पर एक दरार दरार पैदा हुई और उस दरार में से कई सारे दैत्य जीव बड़े बड़े निकले उन्हें हराने के लिए सबसे पहले एल्फ आ गया है। उनके पास में जादू शक्तियां थी लेकिन एल्फ की तादाद कम होने की वजह से उन्होंने इंसानों को जादू सिखाया और इंसान तो होता ही हराम खो रहे उन्होंने जादू सीख कर एल्फ को ही अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा और खुद ब खुद महान शक्तिमान बनने के बारे में सोचा इसके बाद में स्ट्रेडो से अपना मैजिक

के पास पहुंचती है और वहाँ पर फेल हुई सारी जादूगरियों को ईल बना देती है यहाँ पर इस वक्त येनेफर भी आ चुकी होती है वो उससे पूछती है आखिर आपने ऐसा क्यों किया तो बताती है की मैंने सिर्फ इनके शरीर से इनका कंट्रोल छीन लिया है इनके पास में इस वक्त भी इनकी पावर है तुम तो इन ईल्स को बस इस पॉन्ड में ढकेल दो ताकि यहाँ पर रहकर एरीटूजा की और शक्ति को बढ़ाएंगे अब इनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह जाएगा एरीटूजा की शक्तियों को बढ़ाना मैंने इन पर काफी ट्राई किया सभी उस काबिल नहीं की एक अच्छी जादूगरनी बन पाए जिसे सुनकर अब ये भी अपनी बाकी सभी साथियों को स्पॉन्ड में ढकेल देती है वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, दिन मेरी फसलों को नुकसान रहते है। मैं तुम्हें सौ मार्क्स दूंगा तो गैर कहता है की इसके काम के बदले में तुमसे डेढ़ लूंगा और फाइनली डील कंप्लीट हो जाती है मगर तभी उसकी मुलाकात एक और खाना बदोज ऐसी होती है जो कि वहाँ पर गिटार बजा रहा होता है इसका नाम होता है क्रिस जब गेरोल्ट अपने घोड़े रोश के साथ में उस दानव को मारने के लिए आगे जा रहा होता है तो वो भी अपना गिटार उठाकर गैरोल्ट के साथ में हो लेता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी कहानियां आम इंसानों तक पहुंचाना चाहता हूँ तुम्हारी दिलेरी की किस्से उन सभी को अपने गाने के थ्रू बताना चाहता हूँ अब यहाँ पर बेसिकली क्रिस के पास में कोई काम नहीं होता है और यही रीजन होता है की वो गैरोल्ट के साथ में ही जाने लगता है जहाँ पर अब ये दोनों ही उसी खेत तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दाना विनय मिलता है गैरोल्ट हालांकि उसे हराने में कामयाब तो हो जाता है मगर तभी उसके सर पर कोई वार कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने दो एल्फ को पाता है यहाँ पर ये दोनों ही एल्फ इन दोनों को मारने के बारे में सोचते हैं तो गैरोल्ट कहता है कि मैं एक विचर हूं और ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा वेल well, तुम हमें मारना क्यों चाहते हो क्या हमें मारकर तुम इंसानों और और तुम्हारे एल्फ के बीच में एक जंग शुरू करना चाहते हो बेहतर तो यही रहेगा कि इस जगह जगह को छोड़कर तुम लोग किसी और जगह पर जाकर बस जाओ जहाँ पर इंसान तुम्हारी पहुंच से दूर हो इसे सुनकर एल्फ का राजा उन्हें काफी लंबा लेक्चर देता है और बताता है कि किस तरीके से इंसानों ने हमारा खात्मा किया हमने उन्हें जादू सिखाया और उन्होंने हमारे ऊपर उलटवार किया मगर तभी विचर उसे शांत करता उसे है कि उस टाइम में कुछ लोग इस शक्ति को पाना चाहते थे हालांकि कुछ गलत थे तो बाकी सही भी थे इसलिए इंसानों को सोचने का तुम्हारा तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और इस कहानी की तीसरी लीड करेक्टर यानी की सीरी पर इस वक्त वो जंगल में होती है और जंगल में थोड़ी बहुत बर्फ भी गिर रही होती है वो काफी दिनों से भूखी होती है उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होता है और तभी उसकी मुलाकात एक एल्फ लड़के से होती है जो कि उसे

खुद का टाइम स्पेंड करने के लिए एक रेड लाइट एरिया में पहुंचा होता है मगर तभी खबर मिलती है, है। हालांकि यहाँ तो पर हाला गैरल्ट रेड लाइट एरिया में तो आ चुका था मगर उसके पास में देने के लिए पैसे नहीं होते और इसी वजह से वह वहाँ के ओनर को अपना घोड़ा रोश दे देता है और पैदल ही टेमेरिया के लिए निकल पड़ता है ये सोचकर कि शायद हो सकता है कि जिस काम को पुराने विचर ने पूरा ना किया उसे मैं पूरा कर दूंगा जिसके बाद में राज्य दिखाया जाता है गैरोल्ट के लोगों से पूछताछ करता है उस दैत्य के बारे में जिसने कि उसके साथी को कभी मारा था जहाँ पर एक शख्स को बताता है कई कई सालों से से ब्लैक नाम का एक मॉन्स्टर उनके ऊपर टाइम से हमले कर रहा है और हमारा राजा फोल्टेस भी हमारी मदद नहीं कर रहा है इनफैक्ट वो तो खुद का महल छोड़कर एक दूसरी ही जगह नया महल बनाकर रहने लग गया है इसलिए हम लोगों ने राजा के खिलाफ एक रेबेलियन ग्रुप बनाया है ताकि मौका पड़ने पर हम हमारे राजा से बदला ले सके यहाँ पर गैरोल्ट कहता है कि शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें उस दानव से मुक्ति दिला पाऊं। मगर ये कहते है कि हमें अब विचर्स पर भरोसा नहीं है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये काम सिर्फ हजार और करने के लिए तैयार हूँ और पैसा भी आपसे काम पूरा होने के बाद में लूंगा पहले नहीं इतने में ही वहां पर किंग फोल्ट का दरबारी और उसके कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं

फीमेल होती है ये कोई मेल नहीं होते अब इन सारी बातों की कनेक्टिविटी के बाद में ये बात समझ जाता है, कि है इसके लिए? वो आशिक तू ही है और ये स्ट्रीगा तेरी और एडा की नाजायज औलाद है अब बिना समय गवाए मुझे फटाफट से बता कि आखिर स्ट्रीगा पर ये शराब किसने डाला था ताकि मैं उस शराब को तोड़कर उस लड़की को उसकी बुरी जिंदगी से मुक्त

जिसके बाद में ये दोनों ही एडा के रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर ट्रिस को क्वीन एडा की माँ के द्वारा लिखे हुए खत मिलते हैं जिसमे लिखा होता है की तू अपने नाजायज बच्चे को गिरा दे मगर एडा हमेशा से ही अपनी माँ को मना करती रहती थी और कहती थी की मुझे इस बच्चे को जन्म देना है अब इन सभी लेटर्स को लेकर ये दोनों राजा फोल्टेस के मेन राज दरबारी के पास पहुंचते हैं जो कि सालों से फोल्टेस परिवार का एक काफी अच्छा सेवक होता है अब देखा जाए तो एडा की मॉम फोल्टेस की भी तो मॉम ही हुई तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि पुरानी रानी साहिबा यानी कि उन दोनों की मम्मी

रात से लेकर सुबह तक इस स्ट्रीका को उस कबर में जाने से रोकना होगा और सुबह होने के बाद मुर्गे के तीन बांग कंप्लीट होते ही इस का वो श्राप उतर जाएगा जिसके बाद में वो एक लड़की में बदल जाएगी गैरोल्ट वहीं पर दरबारी को बंदा छोड़कर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है वहीं कुछ ही देर बाद में स्ट्रीका पहुंच जाती है और सबसे पहले तो उस राज दरबारी को पाकर उसका दिल और जिगर खा जाती है और फिर आकर गैरोल्ट से मुकाबला करती है यहाँ पर गैरोल्ट अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है हर एक इक्विपमेंट हर एक औजार उसके ऊपर इस्तेमाल करके देखता है मगर स्ट्रीगा इतनी ताकतवर होती है कि उसके सामने कुछ भी नहीं चल पाता जिसके बाद ही, ही कब्र के अंदर सो सके एंड फाइनली एट द एंड गेरोल्ट का यह प्लान काम कर जाता है और जब अगली सुबह वो इस कब्र को खोलता है तब तक मुर्गे की तीन बांग आ चुकी होती है और स्ट्रीगा का वो श्राप भी उतर जाता है जहाँ पर वो अब एक नॉर्मल लड़की बन चुकी होती है मगर

किस राजा के लिए काम करेगी और जैसा कि मैंने शो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि हर एक वेज एक राजा के लिए काम किया करती है उनका काम होता है राजा को सलाह देना और मुसीबत के वक्त उसकी जान बचाना इसके एग्जाम्पल के लिए हम के पास में ट्रिस को देख सकते हैं क्योंकि ट्रिस हर वक्त के लिए उसके सारे काम किया करती थी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं की राज्य के राजा के पास भेजा जाएगा ये राजा बेसिकली अपने ही लोगों को प्रेफर करता है और अब क्योंकि येनेफर का गांव भी एडरिन राज्य

पहुंचती है और जाता ही सीधा एडरिन के राजा के साथ में डांस करने लगती है एडरिन का राजा भी अब येनेफर की खूबसूरती के ऊपर पूरी तरीके से लट्टू हो जाता है जहाँ पर येनेफर उसे ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे ही किंगडम से बिलोंग करती हूँ इस बात को सुनकर सारे जादूगर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं आखिर येनेफर ने एडरिन के राजा के साथ में ऐसा सलूक क्यूँ किया क्यूँकी बोर्ड चाहता था की वो कहीं और जाए और उसने एडरिन के राजा को फंसाने की कोशिश करी वहीं पर हमारी मुलाकात दो शरारती बच्चों से भी होती है जिनका नाम होता है फॉल्टेस और एडा और

को मारकर उसका इनाम लेने के लिए इंसानों के पास पहुंचा होता है जहाँ बाजू में यस्कअर बैठकर उसके कारनामों के गाने लिख रहा होता है यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं की अब इन दोनों के बीच की दूरिया या फिर कह सकते हैं कि बॉन्डिंग अब और ज्यादा अच्छी हो चुकी होती है जिसके बाद में यस्कअर गैरोल्ड को एकदम सजा धजा के सिंट्रा लेकर जाता है जहाँ पर सिंट्रा की राजकुमारी का स्वयंबर चल रहा होता है और यहाँ पर आस के सारे एलिजिबल बैचलर्स शादी के लिए अपना प्रस्ताव लेकर आए होते हैं इस स्वयंबर में गैरोल्ड की मुलाकात होती है मोजैक से जहाँ पर ये काफी ज्यादा जवान दिख रहा होता है एंड आई होप कि अब आपको ये टाइम लाइन का फंडा थोड़ा समझ में आ गया होगा जो की गैरोल्ट को, को अपने पास में बैठने के लिए कहती है जिसके बाद में मुंह दिखाई की रसम स्टार्ट होती है और काफी सारे दूसरे राज्य से आए हुए राजा शादी के लिए अपना प्रस्ताव रखते है वही पर भी खड़ा होता है जो की पास ही लोगों के साथ

हेलमेट भी पहन कर आया है जिस पर वो नाइट अपना हेलमेट उतारता है उसकी शक्ल एक क्रीचर से मिलती थी जैसे कि कोई हुआ हो इसे देखकर तो मानो हर कोई काफी ज्यादा दंग रह जाता है वहीं गुस्से में क्वीन कलांती गेरोल्ट को उस जानवर को मारने के लिए कह देती है है जिस पर गेरोल्ट कहता है कि ये बंदा कोई मॉन्स्टर नहीं है किसी ने इसको शराब दिया है जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है और मैं सिर्फ दानवों का शिकार करता हूँ इंसानों का नहीं कलांती कहती है अगर तू इसे नहीं मारेगा तो मेरे आदमी से मार देंगे और फिर क्वीन अपने सिपाहियों को उसे मारने का हुक्म देती है वहाँ पर कई सारे सिपाही आकर उसे मारने की कोशिश भी करते हैं इस शख्स का नाम होता है डूनी पहले तो डूनी इनसे ठीक ठाक लड़ लेता है लेकिन जब वहाँ पर कई सारे उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है और भी आ चुका था, और वो तो फिर अपने फुल पावर मोड के अंदर आकर हर एक सिपाही को मारने लगता है देखते ही देखते यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और हॉल में मौजूद हर एक शख्स आपस में ही लड़ने लग जाता है एंड में क्वीन कलांती खुद लड़ाई में घुसकर सबको रोक देती है बट तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से पवेता जाकर उस नाइट को हक कर लेती है और बताती है कि यही मेरी डेस्टिनी है मुझे इससे प्यार है और मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ जिसके बाद में डूनी एक बहुत ही बड़ा राज रिवील करता है और बताता है कि आज से कई सालों पहले मैंने कलांती के हस्बैंड किंग रैग्नारॉक की जान बचाई थी और बदले में मैंने इनाम की जगह उनसे मांगा था द लॉ ऑफ सरप्राइज अब यहाँ पर मैं आपको लॉ ऑफ सरप्राइज का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बेसिकली होता यह है कि अगर सपोज मैंने किसी की जान बचाई और बदले में इनाम की बजाय मैंने उससे लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लिया तो उस बंदे के जिंदा वापस घर जाने के बाद जो भी पहली चीज उसे हासिल होगी उसका हकदार मैं रहूंगा जनरली हम कह सकते हैं की घर पर जाने पर अगर उसका कोई बच्चा होता है तो उसका हकदार लॉ ऑफ सरप्राइज को मांगने वाला होता है इवेंचुअली घर पहुंचने पर रेग्नोरॉक की बीवी यानी की क्वीन कलांती प्रेगनेंट होती है और जब उसकी बेटी पैदा होती है यानी

बवंडर उसने अपनी आवाज के साथ में क्रिएट किया था जिससे कि बाजू के लोग मारे जा रहे थे उस जादू को खत्म करके कर तो जादुई शक्तियां थी देखा जाए तो वो एक सोर्स थी अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था की दो तरह के जादूगर होते हैं एक होते हैं सोर्स और एक होते हैं मेजेस सोर्स जिनके अंदर खुद ब खुद बचपन से ही पावर होती है जबकि मेजेस स्कूल जाकर पावर्स को सीखते हैं अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है सोर्स हालांकि ताकत पर तो होते हैं मगर उनकी जादुई उनके कंट्रोल में नहीं होती है जब वो सबकॉन्शियसली या फिर काफी ज्यादा मुसीबत में होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पावर जनरेट होकर बिना काबू में रहे तबाही मचा देती है जबकि मेजेस अपनी ताकत पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और जब यूज करना चाहे तब कर सकते हैं कलांति को अभी तक यही लग रहा था कि अगर मेरे पास में मैजिकल पावर्स नहीं है तो मेरी बेटी के अंदर भी नहीं होंगी बट उसमें

कि सीजन वन की शुरुआत में कलांती ने अपनी पोती को कहा था फाइंड ऑफ रेनफ्री ने कहा था इसी की से इन दोनों की डेस्टिनी एक हो चुकी थी लॉन्ग जम्प लिया होता है राजा को अपनी सेवाएं प्रदान करी थी इस वक्त वो अपनी रानी कैलिस के साथ में होती है अब आप सोच रहे होंगे की ये इतनी जवान कैसे है तो आपको बता दू की यूनिवर्स

येनेफर अलग अलग होटल बनाकर भागने लगती है कभी ये लोग बर्फ में पहुंच जाते हैं तो कभी रेगिस्तान में बट एट दी एंड वहां पर वो मेज कैलिस और उसकी बेटी को जान से मार डालता है हालांकि येनेफर ने अपनी पूरी ताकत, पूरी ताकत शक्ति लगा दी थी इन दोनों को ही बचाने में मगर वो इस काम में नाकामयाब हुई थी और एक बेटी को खोने का दर्द वो समझ पा रही थी इसलिए अब वो ये बात डिसाइड कर लेती है की वो भी अब एक बच्चे को जन्म देगी लेकिन लास्ट एपिसोड में जैसा की मैंने आपको बताया था की सुंदर बनने की भी कुछ शर्तें थी वो

की बॉडी पर अगेन कुछ जादू टोना करके ये पता लगा लेते हैं में है। सीरी, जंगल में घुसी कोई उसे पुकार रहा था मगर वो कौन था उसके बारे में उसे नहीं मालूम वही पर हम बाकी वॉरियर्स को देख पाते हैं जो की उस एल्फ लड़के जिसका नाम होता है डारा उसे भी पकड़कर कर फॉरेस्ट में ले आते हैं जिसके बाद में ड्राई हर्ट इन्हें यहाँ का स्पेशल पानी पीने के लिए

की शुरुआत करो लेकिन जैसे ही सीरी उस मैजिकल वाटर को पीती है तो उसे कुछ भी नहीं होता तो ड्राई हर्ट सोचती है कि लगता है कि इसे फ्रेश पानी पिलाना पड़ेगा और वो तभी उसे एक झरने के पास लेकर जाते हैं और इसे ताजा पानी पिलाते हैं इसे पीने के बाद तो सीरी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपने सामने एक मैजिकल ट्री को देख पाती है जो की उससे बात करता है पूछता है हु यू आर आखिर तुम हो क्या और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है आज हम इसके सीजन वन एंड एपिसोड फिफ्थ के बारे में बात कर

है। वहीं पर वो मोजेक को मारकर उसके कपड़ों, आवाज और उसकी मेमोरी को कॉपी कर लेता प्लान होता है डुप्लिकेट को में भेज कर, सीरी को में। और यहाँ पर ड्राई हर्ट्स को सीरी के बारे में पता चलता है की वो तो सिंट्रा की प्रिंसेस है जिसके बाद में यहाँ की वॉरियर्स एक मीटिंग बिठाती है ये डिसाइड करने के लिए की इस जंगल में प्रिंसेस को रखना चाहिए या नहीं मगर काफी लंबी चलने वाली मीटिंग के बावजूद भी इनका कोई भी सोलूशन नहीं निकल पाता पर के पास में दो ऑप्शन या तो के साथ जाकर लिखी हुई किस्मत को फॉलो करो जिसे सुनने के बाद में सीरी करती है कि वो यहाँ ब्रोकिलोन फॉरेस्ट में ही अपना बाकी का जीवन बिताएगी लेकिन तभी वहां पर मोजेक पहुंच जाता है जिसे देखकर बाकी की सारी वॉरियर्स चौकोनी

यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है पे। जो कि अब अपने कुछ लोगों को यह बात काफी पसंद आती है मगर वहाँ का मेयर खफा हो जाता है क्योंकि वैसे तो गाँव के लोगों को जब कोई प्रॉब्लम या फिर पैसों की जरूरत होती थी तो वो सीधा मेयर के पास आया करते थे मगर अब ऐसा हो नहीं पा रहा था क्यूँकी उनके सारी प्रॉब्लम तो जादू की मदद रही होती है इसलिए वो येनेफर के पास आता है और येनेफर को पकड़कर अपने घर ले जाता है एक्चुअली ऐसा करने के पीछे मेयर को ऊपर से ऑर्डर आए होते हैं कि येनेफर को तुम्हें जितना जल्दी हो सके गांव से बाहर निकाल देना है जहाँ पर शाम को हम देख पाते हैं कि येनेफर तैयार हो रही होती है लेकिन तभी पीछे से टिस्से पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो एक तो पहले ही राज घराने को छोड़कर तुमने जादूगरों का नाम खराब कर दिया है और अब ऊपर से छोटे मोटे काम कर रही हो यूं ही किसानों की मदद करके इस तरीके से तो जादूगरी घराने से तुमको बेदखल कर दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि वो कोई खतरनाक डिसीजन भी तुम्हारे खिलाफ ले ले ये कह

तभी भी उस सुराही के पीछे पड़ जाता है और अब इन दोनों के ही बीच में उस सुराही को कर तानी होने लगती है। गलती से उसे कहता है कि चुप हो जा अब तेरे पास में सिर्फ एक लास्ट ही बची है लेकिन खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है तभी गैरोल्ट उसे अपने घोड़े रोज पर बिठा कर उसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाता है ये डॉक्टर बेसिकली एक एल्फ होता है जहाँ पर

गैरोल्ट की मुलाकात उस जादूगर से होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि होती है और यहीं से इन दोनों की टाइमलाइन मैच कर जाती है गैरोल्ट उसे बताता है 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 कि कि यस्केर एक इंसान जो मेरा दोस्त है, मगर इसका गला किसी जादू की वजह से बंद हो गया है है रिप्लाई में येनेफर कहती की हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मगर इसमें थोड़ा समय लगेगा तुम दोनों को इस रात यही पर रुकना पड़ेगा येनेफर पूछती है की आखिर इसने कुछ खाया था या फिर क्या हुआ था तो गैरोल्ट उसे बताता है की आज सुबह मुझे एक सुराही मिली थी जिसके अंदर एक जिंद था और उससे मैं तीन विशेष मांग सकता था मगर यास्केर ने अपनी विशेष उससे मांगी हालांकि दो तो वो मांग चुका था और लास्ट मांगने ही लेकिन तभी उसके गले से खून निकलने लगा इन बातों को सुनकर समझ जाती है कि कि जिन जिन जो कि सभी की ख्वाहिशों को को पूरा कर सकता है अगर मैं जिन को ही अपने अंदर समालू तो मैं इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी की खुद ब खुद ही एक बेबी को प्रोड्यूस कर पाऊंगी काफी देर बीत जाने के बाद में जब गैर उसके रूम में आकर चेक करता है तो उसे पता चलता है की यहाँ पर येनेफर का प्लान तो कुछ और वो यास्कर को ठीक तो नहीं कर रही बल्कि उल्टा उसके जिन को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही है ताकि पावरफुल्वाशे तो मांग ली थी और लास्ट नहीं मांगी थी इसलिए येनेफर अब करती है की तीसरी विश मांग ले जिसके बाद में वो जिन फ्री हो जाए और वो उसकी बॉडी में समा जाए लेकिन गैरोल्ट ऐसा होने देने वाला कहा था इसीलिए वो पर अपना जादू

तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिपाही का सर फट जाता है इसका मतलब यह था कि जिन की जिनकी ख्वाहिशों का असली मालिक नहीं बल्कि था क्योंकि सुराही के टूट जाने के बाद में गैरो ने पहले शब्द बोले थे कि चुप हो जा जिसे उस जिन ने उसकी ख्वाहिश मानकर के गले को बंद कर दिया था और अब जो गैरोल्ट की दूसरी ख्वाहिश थी यानी की तेरा सर फट जाए तो उसने वो भी पूरी कर दी इसका मतलब यह था की अब गैरोल्ट के पास में उसकी एक लास्ट विश ही बाकी बची है फन फैक्ट यहाँ पर विचर के यूनिवर्स से जितनी भी

के लिए गाँव में जाता है लेकिन तभी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात बोच नाम के एक शख्स दो सिपाही भी होती है, है।, इस है। इसलिए किंग यह चाहता था कि कोई जाकर उसे मार दे उसके बदले में किंग उसे भारी इनाम देगा साथ ही एक और बात की जो भी ग्रीन ड्रैगन को मारेगा तो उसके पास में जो खजाना पड़ा होगा वो भी उसे मिल जाएगा और साथ ही किंग उसे अपने पर्सनल सैनिकों की टीम में भी ज्वाइन कर लेगी

था और उसकी टीम में फटाफट से ज्वाइन होने के लिए एग्री कर जाता है यहीं पर हम इस टास्क की तीसरी टीम से भी मिलते हैं जिनका नाम होता है डॉर्स दरअसल ये बोने होते हैं जिन्हें नाम जीत कर किंग की मेन सिपाहियों की टीम में ज्वाइन होना था और ये से तो आप मिल ही चुके हैं जिसकी टीम में एक और सैनिक होता है जिसका नाम होता है यही और लास्ट और चौथा ग्रुप होता है प्रोफेशनल ड्रैगन किलर्स का जिनके ग्रुप का नाम होता है रिवर्स जहाँ पर इन सभी का सामना करने के लिए खड़े थे बोच साथ ही उसकी दो सिपाही स्टेया एंड वेया एंड गेरोल्ट ऑफ रिविया फिर ये सारे मिलकर जाते हैं उस ग्रीन ड्रैगन की तलाश में जो की एक ऊंचे पहाड़ पर बैठा होता है ये सभी लोग रात को एक जगह पर रुक कर आराम करते हैं जहाँ पर बोच गेरोल्ट को गोल्डन ड्रैगन की कहानी सुनाता है जो की काफी ज्यादा रेयर होते हैं लेकिन गेरोल्ट का मानना था की गोल्डन ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ कहानी में होते उनका असलियत में कोई भी वजूद नहीं होता है विचर के यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो करीब नाइन कलर्स के ड्रैगन होते हैं जैसे कि ग्रीन ड्रैगन रेड ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन ब्लैक्रैगन ड्रैगन ब्राउन ड्रैगन ड्रैगन रॉक सिल्वर ड्रैगन ड्रैगन ब्लू और लास्ट में आता है गोल्डन ड्रैगन और अब जैसा की मैंने बताया की गोल्डन ड्रैगन काफी रेयर होते हैं तो लोगों ने सिर्फ इन्हें कहानियों में ही सुना होता है कहा जाता है की गोल्डन ड्रैगन नॉर्मली किसी को दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि वो ड्रैगन अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप भी बदल सकते हैं यानी कि अगर वो चाहें तो भेज बदल कर इंसानों की तरह रूप की अपना रूप बनाकर बिल्कुल सुबह जब ये सब लोग उठते हैं तो देख पाते हैं कि येनेफर के साथी, की साथ ही आइक की किसी ने हत्या कर दी है इसी वजह से बाकी सभी लोग चार की जगह दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं पहला ग्रुप होता है सिर्फ और सिर्फ रिवर्स का जिसके अंदर यानी कि प्रोफेशनल ड्रैगन कलर होते हैं वही दूसरे ग्रुप में डॉर्स भी होते हैं गेरोल्ट की टीम भी होती है और साथ ही ये खुद ही होती है यानी कि वो थर्ड टीम भी होती है जहाँ एक तरफ तो ये ग्रुप सोचता है की ये लोग शॉर्टकट से उस पहाड़ के ऊपरी छोर तक पहुंचेंगे वही दूसरी तरफ रिवर्स ये सोचते हैं कि वो लोग भले ही देर से ही सही मगर ट्रस्टेड वे से ही पहुंचेंगे क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा सफर के वक्त येनेफर गेरोल्ट को बताती है कि उसे राजा से मिलने वाले खजाने की कोई जरूरत नहीं है वो तो बस उस ग्रीन ड्रैगन का दिल पाना चाहती है क्योंकि ग्रीन ड्रैगन का दिल पाने से येनेफर की माँ बनने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिल सकता था और जैसा की आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया की तो यही रीजन होता है की ग्रीन ड्रैगन के दिल की तलाश थी और उसने इस टास्क को ज्वाइन कर लिया और अब जैसा कि इन सभी लोगों ने वो शॉर्टकट रास्ता चूज किया था जो कि पहाड़ के ऊपरी छोर तक जाता है तो ये सभी दीवार की मदद से चिपक चिपक कर एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी पर चलते हुए पहाड़ पर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वॉच का पैर फिसल जाता है और वो अपनी गार्ड्स के साथ में उस ऊंचाई से नीचे गिर जाता है लेकिन ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं जब रात हो जाती है तो ये लोग अगेन वही पर रात रुकने का डिसाइड करते हैं लेकिन अगली सुबह डॉर्स जो की बोनी होते हैं ये लोग बिना गेरोल्ट और येनेफर को बताए अपना रास्ता तय करने लगते हैं ताकि वो पहले जाकर उस ग्रीन ड्रैगन को मार दे और राजा से इनाम के बदले उनके सैनिकों की जगह पाले और साथ ही खजाना तो वैसे भी मिलने वाला था यानी कि फुल लाइफ सेट लेकिन तभी वहाँ पर येनेफर पहुंच जाती है अपनी मैजिक की मदद से और उन सभी को स्टैचू बना देती है फिर वो खुद ही पहुंच जाती है उस ग्रीन ड्रैगन की गुफा में जिसका पीछा करते करते गैरोल्ट और यास्कर भी वहां तक पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर होता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील और हमें पता चलता है की वो ग्रीन ड्रैगन कोई मेल नहीं था बल्कि एक फीमेल थी जो की ऑलरेडी मर चुकी थी वो प्रेगनेंट थी और उसने मरने से पहले ऑलरेडी एक अंडे को प्रोड्यूस कर दिया था और अब यहाँ पर इस डेड बॉडी प्लस इस अंडे की रक्षा कर रहे होते हैं टेया और वेया आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो गिर गए थे तो फिर ये बचे

कि ग्रीन ड्रैगन यानी कि मेरी फीमेल के लिए राजा ने एक बाउंटी जारी करी है तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मुझे और अब भी बोच यानी कि गोल्डन ड्रैगन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और देखते ही देखते अब यहाँ पर रिवर्स भी पहुंच जाते हैं जिनका सामना ही गोल्डन ड्रैगन मिलकर करते हैं लिटरली फाइट मुझे इतनी पसंद

उन्हें दे देता है और कहता है कि जाकर राजा को बता देना कि हमने उस ड्रैगन को मार दिया जिससे होगा ये कि वो तुम्हें इनाम भी देंगे प्लस अपने सिपाहियों में भी शामिल कर लेंगे एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी पर साइड में येनेफर और बोच बैठे होते हैं तभी वहां पर बोच येफर को बताता है की मुझे पता है की गैरोल्ट ने उस जिन से अपनी तीसरी विश क्या मांगी थी तो येफर पूछती है की आखिर आपको कैसे पता अब वेल होता तो ये गोल्डन ड्रैगन है तो इससे कोई चीज कैसे छुपी हो सकती है तो बोच उसे बताता है की गैरोल्ट ने तीसरी विश में

और बोलता है की मेरी जिंदगी में जितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम आई है वो सब तेरे आने के बाद से ही शुरू हुई है से जब बाहर आ रहे होते हैं, तो वो डॉपलर सीरी के बालों को सूंघने लगता है अब यहाँ पर आपको बता दूं कि डॉपलर को किसी का रूप बदलने के लिए अगर सिर्फ उसके बाल भी सूंघने को मिले तो वो अपना काम कर सकते हैं जिसे देखकर डारा को थोड़ा उस पर शक होने लगता है फिर थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद में अब इन दोनों का ही शक यकीन में बदल जाता है कि वो मोजेक नहीं बल्कि मोजेक का डॉपलर है जिसके बाद में तो सीरी डारा का सिल्वर नाइफ लेकर डॉपलर के गले पर मार देती है और मौका पाकर ये दोनों ही वहां से भाग जाते हैं थोड़ी देर बाद में जब उस डॉपलर की आंखें खुलती है तो उस वार की वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है क्योंकि ये डॉपलर सिल्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे यहाँ पर सीरी और साथ ही डारा दोनों अलग अलग वे में भागने लगते हैं लेकिन तभी वही वाला नील्व

देख पाते हैं कि ये सीरी नहीं बल्कि डॉपलर होता है जिसने सीरी का रूप ले लिया होता है, यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके सीजन वन एपिसोड सेवन के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत में हम गैर को देख पाते हैं जो की एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा नील्फ गार्डियंस की बहुत ही बड़ी सेना को सिंट्रा की ओर जाते हुए देखता है और अब गैरोल्ट को भी डेस्टनी के ऊपर धीरे धीरे भरोसा

लेकिन दुखद बात तो यह है कि एक तूफान में पवेता और डूनी दोनों ही न जाने कहा गायब हो गए इसलिए बचपन से ही सीरी को कलांती ने पाला है लेकिन इस वक्त क्वीन कलांती को ऑलरेडी पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पर विचर पहुंच चुका है और वो अपने कुछ सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेज देती है लेकिन जब इनका सामना गैरोल से होता है तो गैरोल फटाफट से मौजेक को पकड़ उसी की जादु शक्तियों का यूज करके वहाँ से निकल जाता है और जाकर सीधा कलांती से मिलता है जहाँ पर हम देख पाते है की वही सीन होता है जो कि हमने इसके एपिसोड वन में देखा था इसका मतलब यह था कि अब सारी टाइमलाइन एक हो चुकी है येनेफर की की गेरोल्ट और साथ ही सीरी की जिसके बाद एग्जैक्टली हम व्यूअर्स को पता लगता है कि गेरोल्ट और सीरी की टाइम के बीच में बारह सालों का अंतर है क्योंकि सीरी की उम्र भी साल है क्योंकि महीने उसे पैदा होने में भी तो लगेंगे यहाँ गेरोल्ट कलांती को भी निल्फ की आती भी सेना के बारे में बताता है लेकिन बेकॉफ अपनी ताकत के नशे में चूर उसे बताती है कि सिंट्रा की फौज गार्डियंस का सामना करने के लिए तैयार है हमसे कोई नहीं जीत सकता

ही नहीं है ये तो कोई दूसरी लड़की होती है जिसे की क्वीन कलांती गैरो के साथ भिजवा देना चाहती थी लेकिन इस बात को समझ जाता है कि ये असली सीरी नहीं है अब हालांकि उसे कैसे पता पता चला वो वो विचर विचर है पता है है भाई कर सकता जिसके बाद विचर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। लेकिन जब उसकी नजर रोड पर खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है तो उसे पता चल जाता है कि वही असली सीरी है और ये वही सीन होता है जहाँ पर हमने फर्स्ट सीजन के अंदर इन बच्चों को रोड पर खेलते हुए देखा था जहाँ पर एक्चुअल सीरी फेज बदल कर गरीब बच्चों में घुल मिलकर कं खेल रही होती है इस वक्त सीरी को भी पता चल चुका होता है कि कोई तो है जो कि लेकिन अब कहानी को भी तो आगे दिखाना है इसलिए पहले सीजन में हमें विचर को सिंट्रा में नहीं दिखाया गया यहाँ पर अब गुस्से में आ चुका था और वो सीधा कलांति के पास आता है ये जवाब मांगने की आखिर आपने उसे गलत सीरी से क्यों मिल पाया लेकिन तभी वहाँ पर जाता है और उसे पकड़ कर एक जेल में कैद कर देता है और फिर जिस तरीके से फर्स्ट सीजन के अंदर कहानी आगे बढ़ी थी यानी कि नेल्फ गार्डियंस थीट्रा से जंग में जीत चुके होते हैं और वो इस वक्त सिंट्रा के किले तक भी पहुंच चुके होते हैं और मोजेक की मैजिकल शील्ड को तोड़कर अंदर आने लगते हैं यहाँ पर हम अगेन क्वीन कलांती की मौत का सीन भी देख पाते जहाँ पर वो सीरी को अपने पास बुलाकर गैरोल्ट ऑफ रेविया को ढूंढने की बात कहती है इसका मतलब यह था की सिंट्रा की लड़ाई के वक्त गैरोल्ट उनके बेसमेंट में ही कैद था यहाँ पर कलांती मोजेक को भी कहती है की जाकर गैरोल्ट को यहाँ

फोर्ड कहते हैं कि वो निल्फ के जाएंगे और इस जंग को रोक कर रही होती है। ये दोनों ही अलग -अलग रहेंगे यहाँ पर कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है लेकिन तभी वहाँ पर उससे एक लेडी मिलती है जो की उसे कहती है की मैं तुम्हें सहारा दे सकती हूँ तुम मेरे घर पर रह सकती हो मगर सीरी को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसी का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाती है काफी दूर भागने पर रात को कार कर वो एक जगह पर बैठ जाती है और तभी वो लोग जिन्होंने उसके ऊपर नजर रखी थी वो उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुँच जाते हैं जहां पर सीरी पहुंच जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एक प्रेत आत्मा घुस जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये वक्त आ चुका है तलवारों और कुल्हाड़ियों का सफेद तूफान आएगा सफेद रोशनी के

सारी टाइम एक हो चुकी है और जैसा की मैंने आपको बताया की लास्ट एपिसोड में ही विचर सीरीज से मिलने वाला था लेकिन गार्डियंस के हमले की वजह से वो मिल नहीं पाए थे और इसी के के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम देख पाते हैं कि उस बड़ी सी जंग के बाद में गैरॉल्ट सेंट्रा से वापस बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि जंग के बाद बचे हुए लोगों की लाशों को जमीन में दफना रहा होता है जिसे देख गेरॉल्ट कहता है की आखिर तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो तुम चाहो तो अभी अपने घर पर भी जा रात काफी ज्यादा हो चुकी है इस वक्त ये जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि जानवर किसी भी वक्त खाने के लिए आ सकते हैं लेकिन वो शख्स कहता है पहुंच जाता है जो इन दोनों पर ही हमला कर देता है देखा जाए तो नेक्रोफिज मुर्दा खाने वाले जीव होते हैं जो कि जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी लाशें खा जाते हैं लेकिन अगर इन्होंने किसी जिंदा इंसान को काट लिया तो वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा यहाँ पर गैरल्ट उस नेक्रोफिज का सामना करने लगता है और उस इंसान की जान बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन लड़ाई के वक्त वो नेक्रोफिच गैरोल्ट की जाग पर काट खा जाता है जिस वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है है जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर यानी की सीरी पर इस वक्त जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देख पाती है की इसको जो भी लोग पकड़ने आए थे वहाँ पर तो बस अब उन लोगों की लाशें ही पड़ी थी कोई जमीन पर पड़ा था तो कोई पेड़ पर लटका हुआ था जहाँ पर वही पिछले एपिसोड वाली लीडियो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते है और अपने साथ लेकर घर चली जाती है वो लेडी उसे कहती है कि तुम अकेली लग रही हो और साथ ही तुम सिंट्रा की क्वीन की पोती हो इसे तुम अपना ही घर समझो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना क्योंकि वैसे भी मुझे कोई बेटी नहीं है तो तुम्हारी हेल्प करने में तो मुझे खुशी ही ही होगी और साथ ही जाते वक्त ये भी कह देती है की हो सकता है की शायद डेस्टिनी ने ही मुझे तुझसे मिलाया हो दूसरी तरफ बचे हुए कुछ मेजर्स जो की सामना करना चाहते थे वो एरी से निकलकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तब इन्हें पता चलता है कि जंग में पहुँचने

की तैयारियां कर लेते हैं यहाँ पर हम फ्रिंजिला को देख पाते हैं जो कि स्वाडन हिल से कुछ दूरी पर काफी दिनों पहले ही अपनी टीम के साथ पहुंच चुकी होती है और इनका प्लान ऑलरेडी के बाद में हिल पर हमला करने का था यहाँ पर फ्रिंजिला कहिर को बताती है कि कुछ जादूगर और जादूगरिया स्वाडन हिल के अंदर छुपे बैठे है और हमारे हमले का इंतजार कर रहे हैं अब आप लोगों को बता दू की लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग असली कहर मर चुका होता है और उसकी जगह एक डॉपलर ने ले ली होती है जिससे की ऑलरेडी निल्फ गार्डन के काफी सारे राज पता होते हैं फ्रिंजिला बताती है कि अगर हमें स्वाडन हिल की जंग को जीतना है तो हमें हमला करना होगा तो तो लोगो को जंग के लिए तैयार होने के लिए बोल देता है जिसके बाद फ्रिंजिला एक ओपन स्पेस में आकर एक बड़े से आख का गोला बनाती है और एक सरप्राइज अटैक स्वाडन हिल पर कर देती है लेकिन समय रहते नींद से जाग जाती है और उसे पता चल जाता है कि स्वाडन हिल पर हमला होने वाला है तभी वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करती है और उस हमले को आसमान में ही रोक देती है इस इतने बड़े हमले को देख कर और, और साथ ही निल्फ की सिपाहियों के बारे में में सोचकर आधे मेजेस तो रात को ही से भाग जाते हैं जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब हम यहाँ पर देखते हैं स्वाडन हिल वर्सेज गार्डियंस की लड़ाई जिसे की बैटल ऑफ स्वाडन हिल भी कहा जाता है यहाँ पर हम एक जगह पर फ्रिंजिला को देख पाते हैं जिसके हाथ में मैजिकल वोम्स और साथ ही डिमेडिटियम पाउडर होता है अब इनका यूज क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर हम एक मेज को भी देख पाते हैं जो कि हिल के रास्ते तक पहुंचता हुआ कोहरा पैदा कर देता है, इस इस कर, है इस्तेमाल करके अपनी सेना को छुपाते हुए यहाँ तक पहुँचा रहे हैं ये बात जाकर ट्रेस और को बताती है और फिर ये सभी जादूगर्दियाँ उन सभी पर मिलकर हमला करती है यहाँ पर हम सीधे तौर पर देख सकते हैं सिपाही है लेकिन अब स्वाडन हिल के पास में जादूगर जाता है लेकिन हर जादूगर की भी एक लिमिट होती है वो कुछ ही हद तक अपने जादू को इस्तेमाल करके उनकी सेना को रोक सकते थे यानी कि अगर सैनिक ज्यादा हो जाएंगे और अगर उनकी शील्ड को तोड़ने लगेंगे तो ये जादूगर भी उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे ऐसा ही कुछ इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जब मोजेक ने एक मैजिकल प्रोटेक्टिंग शील्ड बना दी थी सिंट्रा के कैसल पर उसने सुबह से शाम तक तो उन लोगों को रोका लेकिन शाम तक जब ज्यादा सिपाही आ गए तो मोजेक भी उन्हें नहीं रोक पाया था और अब ऐसा ही कुछ हमें इस जंग में भी देखने को मिलता है जहाँ पर ये जादूगर ज्यादा देर तक इन सैनिकों को रोक नहीं पाते हैं और धीरे धीरे करके खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं वहीं पर हम विल्गो फोर्ट और केहर को भी देख पाते हैं इन दोनों के ही बीच में एक शानदार तलवारबाजी की फाइट हो रही होती है और यहाँ पर एक लंबी चलने वाली जंग के बाद में विल्गो फोर्ट केहर से हार जाता है यहाँ पर हम उसी मेज को देख पाते हैं जैसे की फ्रिंजिला ने एक मैजिकल वूम्स और साथ ही डेमेरिटम पाउडर का बॉक्स दिया था यहाँ पर मैजिकल वूम्स आकर हर किसी के कान में चले जाते हैं और उनके दिमाग पर कब्जा

पाते हैं जहाँ पर अब एक एक करके हर जादूगर हर सैनिक धीरे धीरे हारता नजर आता है क्योंकि निल्फ गार्डियंस की यही वक्त, वक्त है जब तुझे अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन इन निल्फ गार्डियंस के खिलाफ करना पड़ेगा क्योंकि वो तू ही है जो इन सभी को रोक सकती है जिसके बाद तो को भी गुस्सा आ चुका होता है और वो जाकर स्वाडन हिल में लगी आग को अपने

पास छोड़ दिया था वैसेमीर वो कैरेक्टर है जिसने की स्कूल ऑफ वुल्फ के अंदर अपनी विचर की ट्रेनिंग ली थी और वही सबसे पुराना विचर होता है है अपने विजन से वापस जागने के के बाद में उस शख्स को कहता तू मुझे वैसे के पास ब्लू तक लेकर चल क्योंकि इस वक्त वही मेरी मदद कर सकते हैं लेकिन वो आदमी कहता है की तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है तुम्हें एक नेक्रोफिज ने काटा है और हो सकता है की तुम जल्दी मर जाओ मेरा घर यही पास ही है इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पहले मेरे घर चल लेना चाहिए उसके बाद में तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रात में और अगेन गैरोल्ट को अपने पुराने विजन आने लगते हैं जहाँ पर वो देख पाता है की कोई औरत आकर उसे उसे काढ़े पिला रही है पहले उसे लगता है पहले लगता वो है फिर उसे उस औरत उस के अंदर औरतर दिखाई पड़ती है पर बाद में से क्लियर होता है की ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम वेनेसा थी कैसा शानदार को है अभी मेरे हितेश नागर बेन चैनल पर मैं ब्लेड सीरीज को कर रहा हूँ और वहाँ पर ब्लेड की मॉम का भी नाम वेनेसा था जो कि एक वेम्पायर बन चुकी थी और यहाँ पर विचर जो कि खुद ही दिखने में तो वेम्पायर जैसे ही है मतलब है नहीं बड़ी इसकी भी यार जादूगर well, लंबे लंबे तो तो की एज नहीं बढ़ती है। और यही रीजन होता है कि इसकी मॉम इस वक्त भी इतनी जवान दिख रही होती है गैरोल्ट अपनी मॉम पर गुस्सा उतर कहता है कि क्या आपको मालूम भी है कि हम लोगों को जब विचर बनाया जाता है तो हमें किस किस कंडीशन से गुजारा जाता है हमारा दस जनों का ग्रुप था और उनमें से हम सिर्फ तीन बचे थे कि आपको इस बारे में मालूम था लेकिन उसकी मोम उसे ठीक से जवाब नहीं देती और इलाज तो तो हो चुका होता है। इसका मतलब ये था कि उसने सपने में अपनी मोम को नहीं देखा वो सब कुछ रियल था जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सीरी पर जो कि अपने सपनों में गेरोल्ट और येनेफर को देख पाती है और अपने आप को यहाँ पर सेफ न समझकर अपना क्लॉक पहनकर सीधा जंगलों में भाग जाती है जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि वो शख्स जिसने गैरोल्ट को बचाया है ये औरत उसकी बीवी होती है और ये घर इन्हीं का ही होता है यानी कि जहाँ एक तरफ तो गैरोल्ट इसके घर में पहुंचा वही दूसरी तरफ सीरी उस घर से भाग चुकी थी यहाँ पर ये औरत इन दोनों को सीरी के बारे में बताती है वो कहती है की मुझे कल जंगल में एक लड़की मिली थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी ये सुनते ही गैरोल्ट को लगता है ये लड़की कहीं वो तो नहीं जिसके बारे में मुझे हर कोई इंडिकेट कर रहा था और बोल रहा था दी गर्ल इन इज योर डेस्टिनी और अब तो गैरोल्ट सीधा जंगलों की ओर भागने लगता है लग रहा था मानो कि उसकी डेस्टिनी उसे पुकार रही हो और तभी उसके सामने से स्लो मोशन के अंदर सीरी भागती हुई आ रही हो तुझे देखा तो ये जाना वेल चौक well, से पार्ट हुए पर अब फर्स्ट टाइम और टापस में मिलते हैं जिसके बाद में सीरी उससे पूछती है की आखिर ये येफर कौन है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यही पर खत्म होता है सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर द विचर का सीजन वन खत्म हो चुका है इसका सेकंड सीजन 17 दिसंबर को रिलीज होने वाला है यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ में जिसे मैं जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वन मोर टाइम गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में